तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेक बाउंस में जो लिमिटेशन पीरियड होता है उसके बारे में। दोस्तों, चेक बाउंस में जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम रिसेंटली बात करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के लिमिटेशन पीरियड के बारे में डिटेल में अपने जजमेंट में डिस्कस किया है। और अगर हम अभी रिसेंटली की बात करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में चेक बाउंस के केस में लिमिटेशन पीरियड के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया है। और इसी पर्टिकुलर केस में जो कंप्लेनेंट था उसने अपने चेक बाउंस के केस में लिमिटेशन पीरियड के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी को, उस आरोपी को जिसको हाई कोर्ट ने सजा दे दी थी इसी पर्टिकुलर केस के अंदर, उसको रिहा कर दिया और हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। अब आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि लिमिटेशन पीरियड होता क्या है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चेक बाउंस के केस के बारे में, जो कि सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर आता है। और इसी के साथ साथ जो लिमिटेशन पीरियड है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर केस के बारे में जानेंगे, उनके फैक्ट्स जानेंगे जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, और उस केस में क्या फैक्ट्स थे, क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से वो आरोपी अपना केस जीत गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं उस पर्टिकुलर केस के बारे में जिसमें कि एक दिन का फर्क होने से, जी हां, सिर्फ एक दिन का फर्क होने से वो आरोपी अपना केस जीत गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, खारिज कर दिया। तो दोस्तों, उस केस के लॉज एंड फैक्ट्स को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेक्शन 138 NI एक्ट क्या कहता है और ये होता क्या है। सेक्शन 138 NI एक्ट ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं और उस व्यक्ति ने, जो दूसरा व्यक्ति है, उसने आपको चेक दे दिया है पैसे देने की बजाय, और जब भी वो आप चेक अपने बैंक में डालने जाते हैं तो बैंक वाले आपको ये बोलते हैं कि जिसने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, या फिर उस व्यक्ति ने अपना अकाउंट ही क्लोज कर दिया है, और जिस वजह से बैंक वाले आपका वो चेक बाउंस कर देते हैं। तो दोस्तों, इसे चेक बाउंस कहते हैं, लेकिन सिर्फ चेक बाउंस करने से ही सीधा सीधा आप कोर्ट में केस नहीं डाल सकते। चेक बाउंस का, यानी कि सेक्शन 138 NI एक्ट का कोर्ट के अंदर केस डालने से पहले आपको सेक्शन 138 NI एक्ट के 3 प्रोविजियों को फॉलो करना पड़ेगा, उनको फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसका पहला प्रोविजियो ये कहता है कि जो चेक होता है, चेक की वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स की, यानी कि अगर आपने किसी से चेक लिया है, उस चेक पे डेट लिखी हुई है और उस डेट के 3 महीने के अंदर अंदर आपको वो चेक अपने बैंक में डालना होगा, तभी वो चेक वैलिड माना जाएगा। और क्लॉज बी ये कहता है कि जब भी आप बैंक में चेक डालते हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है, तो चेक बाउंस होने के बाद जो बैंक वाले होते हैं आपको एक मेमो ऑफ रिटर्न देंगे, तो उस मेमो ऑफ रिटर्न में जो भी डेट लिखी होगी, उस डेट के 30 दिन के अंदर अंदर आपको उस व्यक्ति को, जिसने आपको चेक दिया है और जिसकी वजह से चेक बाउंस हुआ है, उस व्यक्ति को अपने एडवोकेट के थ्रू एक लीगल नोटिस भिजवाना होता है। और तीसरा प्रोविजन ये कहता है कि जब भी आप लीगल नोटिस भेजें, तो लीगल नोटिस रिसीव होने के बाद, जिसको आपने भेजा है उसको रिसीव होने के बाद जो भी डेट है, उस डेट से 15 दिन के अंदर अंदर आपको उस व्यक्ति को टाइम देना है कि भैया, या तो 15 दिन में आप मेरे पैसे वापस कर दो जो नोटिस में जितने अमाउंट लिखा है, अदरवाइज आप उसके अगेंस्ट केस डाल देंगे। लेकिन वो 15 दिन एक्सपायर होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट के अंदर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि चेक बाउंस का केस आप कोर्ट के अंदर डाल सकते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। लेकिन अगर वो 15 दिन पूरे नहीं हुए और 15 दिन पूरे होने से पहले ही आपने केस डाल दिया, तो आपका केस वैलिड नहीं माना जाएगा, पहली डेट पे ही डिसमिस हो जाएगा। तो चेक बाउंस के केस में आपको 3 प्रोविजन याद रखने हैं। पहला है चेक की वैलिडिटी, जो कि 3 महीने की होती है। दूसरा है, जब भी आपको बैंक से रिटर्न मेमो मिलेगा, रिटर्न मेमो मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपने एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस भेजना होगा। और तीसरी बात यह है कि जब भी आप लीगल नोटिस भेजें, तो लीगल नोटिस जिसको भी आप भेज रहे हैं उसके रिसीव होने की जो डेट है, उस डेट के 15 दिन के अंदर अंदर उसको आप टाइम दीजिए कि 15 दिन में वो आपका पैसा वापस करे। अगर नहीं करता, तो 15 दिन के बाद ही आप कोर्ट के अंदर सेक्शन 138 NI एक्ट का केस कर सकते हैं। और यही बात आगे सेक्शन 142 NI एक्ट में लिखी है। अगर आप सेक्शन 142 क्लॉज बी पढ़ेंगे NI एक्ट का, तो वो ये कहता है कि जब भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है एज पर क्लॉज सी सेक्शन 138 NI एक्ट, उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको कोर्ट के अंदर केस डालना होगा। अब आप ये बात तो समझ गए होंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर केस डालना है, लेकिन आपको ये पता है कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज कब हुआ है और कॉज ऑफ एक्शन की डेट क्या होगी?
तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप लीगल नोटिस भेजेंगे और लीगल नोटिस भेजने के बाद रिसीव होने के बाद आपको 15 दिन का वेट करना होगा कि 15 दिन में आपको पार्टी पेमेंट वापस कर रही है या नहीं कर रही। और जब भी वो 15 दिन एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि 15 दिन के बाद जो वो 16वां दिन होता है, उस दिन से, उस डेट से आपके 30 दिन काउंट होंगे और 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको कोर्ट के अंदर सेक्शन 138 NI एक्ट का केस डालना होगा। और अगर 30 दिन एक्सपायर हो जाते हैं तो आप केस नहीं डाल सकते। तो गाइज, ये सब था चेक बाउंस के केस के बारे में। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंडमार्क जजमेंट दिया है अपना, उस केस के फैक्ट्स क्या है, उस केस की कहानी क्या है और उस केस में आरोपी कैसे जीत गया। तो इस केस में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को चेक दिया था और उस चेक पे जो डेट थी वो 28 अक्टूबर 2005 की थी और सेम डे ही वो चेक बाउंस हो गया। और बैंक ने ये रीजन दिया कि जिसका वो चेक था उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, पैसे नहीं है। उसके बाद 7 नवंबर 2005 को लीगल नोटिस भेजा गया और 8 नवंबर 2005 को लीगल नोटिस रिसीव हुआ। और लीगल नोटिस के रिसीव होने के बाद 22 नवंबर 2005 को कोर्ट के अंदर सेक्शन 138 NI एक्ट का केस दर्ज कर दिया गया। अब अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, 8 नवंबर 2005 को नोटिस रिसीव हुआ और 22 नवंबर 2005 को कोर्ट में केस दर्ज कर दिया गया। अब अगर आप इन दोनों डेट्स का डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो वो 14 दिन का आएगा, 14 डेज का आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि जो 15 दिन का टाइम देना होता है लीगल नोटिस के बाद, रिसीव होने के बाद, वो टाइम पीरियड इन्होंने नहीं दिया और इन्होंने 14th डे पे ही एक क्रिमिनल कंप्लेंट डाल दी चेक बाउंस की कोर्ट के अंदर। तो नोटिस रिसीव होने के 15 दिन के बाद ही और पेमेंट ना मिलने के बाद ही आप कोर्ट के अंदर क्रिमिनल कंप्लेंट डाल सकते हैं। लेकिन जब आप 15 दिन ही नहीं दोगे तो आपका केस मेंटेनेबल कैसे होगा? और इसी बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में काफी भारी आर्ग्यूमेंट हुई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि हमने रिसेंटली एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था और उस केस का नाम है योगेंद्र प्रताप वर्सेस सावित्री पांडे एंड अनदर्स, जिसमें कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि हम 15 दिन एक्सपायर होने से पहले कोर्ट में केस डाल सकते हैं या नहीं, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया था कि सेक्शन 138 क्लॉज सी एंड सेक्शन 142 क्लॉज बी NI एक्ट के अकॉर्डिंग आपको 15 दिन एक्सपायर होने का वेट करना ही पड़ेगा। और इस केस में 15 दिन एक्सपायर होने से पहले ही कोर्ट में केस डाल दिया गया, जो कि बिल्कुल भी मेंटेनेबल नहीं था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाई कोर्ट ने इस केस में गलत तरीके से कन्विक्शन किया है और ये केस तो मेंटेनेबल ही नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और मेरा YouTube चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं लाता रहूं। और मेरा Facebook पेज लीगल बाबा आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू।